وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. صدق الله. कल एक सवाल का जवाब दिया था मैंने कि नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में क्यों डाला था. नबियों की हमेशा मुखालिफतें हुई मगर किसी दुश्मन ने किसी नबी को आग में नहीं डाला. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही को नमरूद ने आग में क्यों डाला था. फिर इसी के साथ ये था कि आज तक किसी इंसान ने दुनिया में जन्नत नहीं बनाई, नमरूद ही ने जन्नत क्यों बनाई थी. ये दोनों सवाल एक ही सिलसिले की कड़ी थे और ये सवाल किसी ने किया नहीं था. मैंने वैसे ही जवाब दिया था और जवाब ये दिया था कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी और तहकीक के बाद ये तय हो गया कि ये काम हजरत इब्राहिम ने किया है तो कौम ने ये मुकदमा बादशाह के सामने रखा कि इसने इतनी बड़ी तौहीन की है, इसको सजा दी जाए. बादशाह ने हजरत इब्राहिम को दरबार में बुलाया और गुफ्तगु यहां से शुरू की कि इब्राहिम तूने ये सारे खुदाओं की टांगे तोड़ दी, आखिर तेरा खुदा है कौन. तो हजरत इब्राहिम ने कहा रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीतु, मेरा रब वो है जो जिलाता है और मारता है. ये गुफ्तगु शुरू हुई. उस गुफ्तगु के नतीजे में बादशाह हक्का बक्का रह गया था. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलील का कोई जवाब नहीं दिया. और उर्दू में मसल है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे. जो बिल्ली कुत्ते से तो लोहा ले नहीं सकती, मुकाबला कर नहीं सकती, तो भागेगी और बिजली के खंभे को नोचेगी. वो गुस्सा यहां उतारती है. और कहते हैं उर्दू में कि जब कुम्हार को बीवी पर गुस्सा आता है तो बीवी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, गधे के काने अटकता है. हालांकि बेचारे ने कोई गुनाह नहीं किया. तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से गुफ्तगु में तो वो हक्का बक्का रह गया, कोई जवाब नहीं दे सका. तो गुस्से में उसने क्या कहा, इब्राहिम तू मुझे धमकियां देता है कि मेरी दावत मानोगे तो जन्नत मिलेगी और अगर मेरी दावत नहीं मानोगे तो जहन्नम में जाओगे. तू मुझे धमकियां देता है, मैं तुझे जहन्नम में डालूंगा और जन्नत में मैं जाऊंगा. तुझे तो जहन्नम में डालूंगा, जन्नत में मैं जाऊंगा. फिर उसने वो जो आग तैयार की थी वो जहन्नम तैयार की थी. किसी इंसान को जिंदा जलाना है तो 5-25 गट्ठर लकड़ी के इकट्ठा करके जलाकर उसमें झोंक दो, जल जाएगा. उसने इतनी आग नहीं तैयार की थी. अहले तारीख ये लिखते हैं कि पूरे मुल्क ने 6 महीने तक सोख्ता जमा किया था, लकड़ियां जलाने की जमा की. जब पूरे मुल्क ने 6 महीने तक सोख्ता जमा किया होगा तो कितने बड़े एरिया में आया होगा. फिर वो दहकाया गया, वो लकड़ियां दहकाई गई, वो सोख्ता दहकाया गया और इतना बड़ा लावा जला था कि उसके करीब नहीं जा सकते थे.
تو دور سے گوفن کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کو اس کے اندر ڈالا تھا, ڈالنے کے لیے اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے. اور میں نے یہ بتایا تھا کل کہ نبیوں کا اپنی قوموں سے جب مقابلہ ہوتا ہے اور اس مقابلے میں جب عذاب آتا ہے تو انبیاء اور مومنین کو بچا لیا جاتا ہے, مخالفین اس کا لقمہ بنتے ہیں. ورنہ دنیا میں بہت سے نیک بندوں کو دشمنوں نے آگ میں ڈالا, آگ نے جلا دیا, آگ کسی کی رعایت نہیں کرتی, جس کو بھی ڈالو گے اس میں وہ جلا دے گی, مومن کافر کا کوئی فرق نہیں کرے گی. ایسے ہی آگ میں قرآن شریف ڈالو, قرآن شریف بھی ڈال دے گا, قرآن شریف کو بھی آگ جلا دے گی, وہ کسی کی رعایت نہیں کرے گی. اور اگر کبھی کوئی ایک واقعہ ایسا ہوا ہے کہ آگ نے قرآن شریف نہیں جلائی تھی, کوئی کرامت ہے. باقی عام حالات میں اگر قرآن شریف کو آگ میں ڈالو گے تو آپ قرآن شریف کو بھی جلا دیں گے. آخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موجودہ قرآن پر جب امت کو جمع کیا ہے تو اس کے علاوہ جتنے قرآن لکھے گئے تھے وہ سب حضرت نے مدینہ اپنے پاس منگوا لیے تھے اور سب جلوا دیے تھے. معلوم ہوا کہ آپ قرآن کو جلاتی ہے, ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن کو وہ نہ جلائے. ایسے آگ ہر نیک آدمی کو جلا دے گی, نبی کو بھی جلا دے گی, ایسا کوئی ضروری نہیں کہ اسے چھپ ہے. آگ کا کام جلانا ہے, وہ جلائے گی. یہاں رک کر کے ایک لمبا مضمون ہے, وہ چھیڑوں گا تو سارا وقت اسی کی نظر ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس قرآن پر جمع کیا وہ تو یہ قرآن ہے جو آج ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ کیا قرآن تھے جن کو حضرت عثمان نے جلا دیا, وہ کیا تھے؟ قرآن تو ایک ہی ہے. یہ ایک سوال ہے, اس کا جواب دینے بیٹھوں گا تو 12 بج جائیں گے اور پھر جو موضوع میں نے چھوڑا وہ رہ جائے گا. یہ ذہن میں سوال آتا کہ نہیں کہ حضرت عثمان نے جو اپنے زمانے میں قرآن جمع کیا تھا, مصحف تیار کیے تھے, وہ قرآن تو یہ ہے. پھر اس کے علاوہ جو لوگوں نے قرآن لکھ رکھے تھے وہ سارے قرآن منگوا کر سارے جلا دیے, تو آخر کون سے قرآن تھے؟ قرآن تو یہ ہے, اس کے علاوہ کیا قرآن لوگ مسلمانوں نے لکھا ہوگا؟ یہ بہت لمبا مضمون ہے اور اس کے لیے اس میں ایک پھر دوسرا سوال اور ہے, وہ یہ ہے کہ حضور کی وفات کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن جمع کر لیا تھا تو پھر حضرت عثمان کو دوبارہ کیوں جمع کرنا پڑا؟ یہ سب طرح طرح کے سوال ہیں اور لمبے, اس کی تاریخی پوری تفصیل بتلائیں تب جا کر سمجھ میں آئے. تفصیل کے بغیر ذرا سا, حضرت صدیق اکبر نے قرآن جمع کیا تھا یعنی قرآن کو سرکاری ریکارڈ میں لیا تھا, اس جمع کرنے کا اتنا ہی مطلب. اور حضرت عثمان نے جمع کیا تھا, اس کا مصحف بنایا تھا, تمام صورتیں ملا کر ترتیب کے ساتھ کتابی شکل دی تھی. اور حضرت ابو بکر صدیق نے جو جمع کیا تھا تو وہ کتابی شکل نہیں دی تھی, اس کو سرکاری ریکارڈ میں لیا تھا. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کو سرکاری ریکارڈ میں نہیں رکھا تھا. آپ جانتے ہیں حضور جہاں اللہ کے رسول تھے, اسلامی حکومت کے بادشاہ بھی تھے, امیر المومنین بھی حضور ہی تھے. بس حضور کے پاس یا حضور کے گھر میں یا حضور کی نگرانی میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ سرکاری ریکارڈ میں ہے. حضور نے قرآن کریم سرکاری ریکارڈ میں نہیں رکھا تھا. 16 کاتبین وحی تھے,
सहाबा में से 16 आदमी मुतायन थे जब कुरान करीम नाजिल होता तो इन 16 आदमियों में से जो अवेलेबल होता उसे बुलाकर फौरन कुरान करीम लिखवा दिया जाता और कुरान थोड़ा थोड़ा उतरता। और ये जो कातिबी ने वही हैं लिखा हुआ इनके पास रहता है। फिर जब कोई सूरत मुकम्मल हो जाती थी तो फिर उस पूरी सूरत को लिखा जाता था और लिखकर हुजूर को दिखलाया जाता था, हुजूर के मुलाहिजे से गुजरता था। हुजूर लिखना पढ़ना आमतौर पर नहीं जानते थे, मगर जो लिखना पढ़ना लिखना नहीं जानता वो भी पढ़ लेता है। फिर जब वो सूरत मुकम्मल लिख ली गई तरतीब से, नुजुल तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग हुआ लेकिन जब तरतीब से सूरत लिख दी गई तो जिस सहाबी ने मांगी वो सूरत उसको दे दी जाती थी, वो उसके पास रहती थी और उसमें से लोग नकलें लेते थे। इसी तरह से होता रहा, जब हुजूर की आंख बंद हुई तो हुजूर के घर में एक सूरत भी लिखी हुई नहीं थी। पूरा कुरान करीम अलग अलग सूरतें लिखी जा चुकी थी और हुजूर के मुलाहिजे से भी गुजरी थी और कोई सूरत इस सहाबी के पास है, दूसरी उसके पास है, तीसरी उसके पास है, चौथी इसके पास है, मुतफर्रिक सहाबा के पास में कुरान था, हुजूर के घर में नहीं था, सरकारी रिकॉर्ड में नहीं था। जब जंगे यमामा हुई, मुसैलमे कज़्ज़ाब से जंग हुई और कहते हैं कि उस जंग में 600 सहाबा 600 हाफिज़े कुरान शहीद हुए, तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को सबसे पहले एहसास हुआ कि ये तो हुजूर की वफात के बाद पहली जंग है, अगर इसी तरह से आगे जंगें होती रही और हुफाज़े कुरान शहीद होते रहे तो क्या होगा, कुरान कैसे महफूज रहेगा। ये मैंने पहले बताया है कि आलम असबाब में अल्लाह कुरान की हिफाजत करते हैं हाफिजों के जरिए, और हाफिज नहीं रहेंगे तो क्या कैसे काम चले, कैसे कुरान महफूज रहेगा। तो हजरत उमर ने हजरत अबू बकर को मशवरा दिया कि ये जो हुजूर के जमाने में कुरान करीम लिखा गया है और हुजूर के मुलाहिजे से भी गुजर गया है और सहाबा के पास मुतफर्रिक है, इस सब को सरकारी रिकॉर्ड में ले लिया जाए। किस्सा तवील है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये कहते थे कि मैं वो काम कैसे करूं जो हुजूर ने नहीं किया। हजरत उमर कहते थे इसमें बखुदा ये तो अच्छा काम है, खैर ही खैर है, इसमें क्या बुरी बात है। हजरत अबू बकर कहते थे मैं वो काम कैसे करूं जो हुजूर ने नहीं किया। वो कौन सा काम है जो हुजूर ने नहीं किया? वो काम ये है कि हुजूर ने कुरान को सरकारी रिकॉर्ड में नहीं रखा। अब तुम कहते हो इसे मैं सरकारी रिकॉर्ड में ले लूं? देखो मैं यहां रुक कर समझो, आज भी दुनिया की किसी मुसलमान हुकूमत के सरकारी रिकॉर्ड में कुरान करीम नहीं है। अगर कोई बादशाह कोई हुकूमत कुरान करीम को छापता है, तफसीरें छापता है, दुनिया में तकसीम करता है तो ये उसके लिए सआदत है। बाकी दुनिया की कोई इस्लामी हुकूमत कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं है, उनके सरकारी रिकॉर्ड में किसी हुकूमत के है ही नहीं। ये कुरान करीम मुसलमानों को सौंप दिया गया है और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा की है। और ये उम्मत को किसने सौंपा था? हुजूर ने सौंप दिया था, अपने पास रखा ही नहीं था, लिखकर सब सहाबा को दे दिया। तो हजरत अबू बकर ये कहते थे कि जो काम हुजूर ने नहीं किया वो काम मैं कैसे करूं? देखो सरकारी रिकॉर्ड में कोई चीज आ जाती है तो फिर उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की हो जाती है, पब्लिक उसकी तरफ से गाफिल हो जाती है। और आज भी इस्लामी हुकूमतें अगर कुरान की हिफाजत की जिम्मेदार बन जाएंगी तो कुरान जाया हो जाएगा। ये तो उम्मत जिम्मेदार है और बेहिसाब लोग हाफिज हैं, मर्द भी औरतें भी बच्चे भी अरब भी अजम भी, कोई गिन नहीं सकता इतने हुफाज हैं। ये सब किसने तैयार किए? मिल्लत ने तैयार किए हैं, किसी हुकूमत का इसमें कोई दखल नहीं। और हुकूमत की जिम्मेदारी में बात चली जाएगी तो लोग तब क्या करेंगे? हुकूमत जाने, उसका काम जाने,
हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नुकसान होगा। इसलिए हुजूर ने सरकारी रिकॉर्ड में कुरान रखा ही नहीं था। तो हजरत अबू बकर ये कहते थे कि जो काम हुजूर ने नहीं किया वो मैं कैसे करूं। खैर बात लंबी है, फिर शरहे सदर हो गया हजरत अबू बकर सिद्दीक को और हजरत ज़ैद इब्ने साबित को मुकर्रर किया गया। उन्होंने ऐलान किया कि जिसके पास कुरान करीम की ओरिजिनल तहरीर है, जो हुजूर के सामने लिखी गई है और जो हुजूर के मुलाहजे से गुजरी हुई है, और इस पर दो गवाह चाहिए कि ये ओरिजिनल तहरीर है और हुजूर की देखी हुई है, क्योंकि उन असली तहरीरों में से नकलें हुई थी, नकलें नहीं चाहिए, वो जो ओरिजिनल तहरीर है वो जिसके पास है लाओ, और उसके ओरिजिनल होने पर दो गवाह चाहिए, एक गवाह तो जिसके पास तहरीर है वो खुद गवाह, एक दूसरा गवाह और चाहिए। शरीयत में मामलात में दो गवाह जरूरी होते। चुनांचे साहबा ने फटाफट पेश करना शुरू किया और हर एक गवाह जितने जाओ इतने गवाह ले लो, क्योंकि उस तहरीर में से दूसरों ने नकलें ले रखी हैं, तो जिन्होंने भी नकलें ले रखी वो गवाह हैं कि ये ओरिजिनल तहरीर है। जब सारी तहरीरें आ गई तो उसको जो हाफिजों को हिफ्ज याद था उस हिफ्ज के मुताबिक तरतीब दे दी, सूरह बकरा, आल इमरान, निसा, माईदा। फिर हाफिज को बिठाते थे, हाफिज पढ़ता था और हजरत जैद मिलान करते थे, हाफिज के पढ़ने से इनको मिलान करते थे। तो मालूम हुआ कि सूरह तौबा की आखिरी दो आयतें जो सभी हाफिजों को याद थी उसकी ओरिजिनल तहरीर नहीं आई। तो ऐलान किया हजरत जैद ने कि दो आयतों की तहरीर नहीं आई। तो एक सहाबी ने कहा वो मेरे पास है, मगर मैं इस दूसरा गवाह ढूंढ रहा हूं, वो गवाह मुझे अब तक नहीं मिला। तो हजरत ने कहा दिखाओ, लाओ। लाए तो वो हजरत जैद ही के हाथ की लिखी हुई थी। तो हजरत जैद ने कहा इसका दूसरा गवाह तो मैं हूं। खैर वो आयतें ले ली गई और जैसी अलग अलग थी ऐसे ही हजरत जैद ने अलग अलग सूरतें लिखी और लिखकर एक थैले में भरकर वो थैला हजरत अबू बकर को दे दिया और ओरिजिनल तहरीरें जिससे ली थी उनको वापस कर दी कि हुजूर ने उन्हीं को सौंपी थी। तो हजरत अबू बकर ने भी असली तहरीरें सब उसी तरह से वापस कर दी और उसकी नकल लेकर एक थैले में भरकर हजरत अबू बकर के पास रख ली। हजरत अबू बकर ने उसे हजरत आयशा के पास रख लिया। ये कुरान करीम सरकारी रिकॉर्ड में आ गया कि लोगों के पास जो लिखा हो खुदा ना खास्ता अगर जाए हो तो उसकी नकल हुकूमत के पास है। उस वक्त मुसहफ नहीं बनाया गया था, ऐसा कुरान नहीं बनाया था, जैसे अलग अलग सूरतें थी ऐसे अलग अलग लिख करके थैले में भर कर रख ली थी। फिर जो खतरा था वो खतरा पेश नहीं आया। पहली जंग में जो 600 हाफिज कुरान शहीद हुए थे ये खतरा टल गया और फिर अगली जंगों में ऐसा नहीं हुआ कि हुफाज बड़ी तादाद में शहीद हों, ये खतरा पेश नहीं आया। और इधर जो नए मुसलमान होते थे वो भी याद करते थे और अब तो मुसलमानों के बच्चे हिफ्ज करने लगे, तो अगर 5 शहीद होते थे तो 500 नए हाफिज तैयार हो जाते थे। तो वो थैला हजरत अबू बकर ही के पास रहा, कभी उसे खोलने की नौबत नहीं आई। फिर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हुआ तो हजरत ने वो थैला हजरत अबू बकर के पास, हजरत उमर के पास चले गए क्योंकि वो खलीफा हैं, लिहाजा सरकारी सब रिकॉर्ड उनके पास चला गया। तो हजरत उमर ने वो थैला अपनी साहिबजादी हजरत हफ्सा के पास रख दिया। वो उम्मुल मोमिनीन है, हजरत आयशा भी उम्मुल मोमिनीन है, मगर वो हजरत उमर के लिए अजनबी हैं और ये बेटी हैं, तो अगर कभी देखने की जरूरत पेश आए तो देख सकें। तो वो हजरत हफ्सा के पास रखा। यहां ये मसला भी समझो,
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، بیویاں ہیں، وہ مسلمان مردوں کی مائیں ہیں، مسلمان عورتوں کی مائیں نہیں. حضرت عائشہ سے ایک عورت نے یا امی کہہ کر خطاب کیا، اے میری امی، تو حضرت عائشہ نے ٹوکا، میں تیری ماں نہیں ہوں، میں امت کے مردوں کی ماں ہوں. اور ماں ہیں دو باتوں میں، جیسے ماں سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، حضور کی ازواج مطہرات سے بھی ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور جیسے ماں کی تعظیم ضروری اور خدمت ضروری ہے، حضور کی ازواج کی بھی ماں کی طرح سے تعظیم اور خدمت ضروری ہے. بس ان دو مسئلوں میں، اس کے علاوہ تمام معاملات میں ازواج مطہرات مومنین کے اجنبی تھی. چنانچہ قرآن میں ہے کہ اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، امت سے کہا گیا کہ اگر حضور کے گھر میں سے کوئی سامان مانگنا ہے تو پردے کی اوٹ میں کھڑے رہ کر مانگو. وہ لوگ سوچیں جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ ہی نہیں، پھر پردے کے اوٹ میں کھڑے رہنے کیا ضرورت ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں چہرے کا کوئی پردہ نہیں، بھائی چہرے کا پردہ نہیں، پھر پردے کے اوٹ میں کھڑے رہ کر مانگنے کا قرآن میں کیوں حکم ہے؟ اصل پردہ تو چہرے کا ہی ہے، بقیہ بدن تو پردے میں رہتا ہی ہے. بقیہ بدن کون وہ مسلمان عورت ننگا رکھتی ہے؟ قرآن میں یہ حکم ہے کہ حضور کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے کھڑے رہ کر مانگو. تو پردے کے احکام جیسے اجنبی کے ساتھ ہوتے ہیں، وہی امت اور ازواج مطہرات کے درمیان میں. وہ مائیں ہیں صرف دو مسئلوں میں، تعظیم و احترام میں اور نکاح حرام ہونے میں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے لیے اجنبی تھی، تو حضرت عمر نے وہ تھیلا وہاں سے لے کر اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس رکھ دیا کہ کبھی دیکھنے کی ضرورت پڑے، تو کبھی ضرورت نہیں پڑی. پھر جب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان خلیفہ بنے، تو یہ تھیلا وہیں رہا. کیوں؟ اور ازواج مطہرات میں سے حضرت عثمان کا کوئی محرم تھا نہیں، تو ان سے لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو انہی کے پاس رہا. اس مضمون کو یہاں روک دو، اب ایک دوسرا مضمون سمجھو. آج ہمارے بچے جو قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، یا ہمارے بڑے، ہمارے بعض بڑے بھی قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، تو وہ رٹتے ہیں. قرآن شریف کھول کر بیٹھیں گے اور ایک آیت کو رٹیں گے. عربوں کا مزاج یہ نہیں، وہ رٹ نہیں سکتے، ان کو تلقین کرنی پڑتی ہے، کہلوانا پڑتا ہے. تلقین کیسی؟ جیسے مرنے والے کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ پڑھتا ہے، ایسا ہی عربوں کو تلقین کرنی پڑتی ہے تو انہیں یاد ہوتا ہے. وہ رٹنا ان کے بس کا ہی نہیں، رٹیں تو اول تو وہ رٹ سکتے نہیں، اور رٹے تو بھی یاد نہیں ہوتا انہیں. میرا ایک طالب علم تھا سوڈان کا، احمد میرف اس کا نام تھا، بڑا ذہین اچھا طالب علم تھا، اس وقت یمن میں کام کر رہا، دارالعلوم دیوبند کا فاضل ہے. تو دورے سے فارغ ہونے کے بعد ایک دن کہنے لگا، مجھے قرآن حفظ کرنا ہے آپ کے پاس. میں نے کہا کر لے، کراؤں گا حفظ. تو میں نے اس کو کہا کہ تو سورہ نبا یاد کر کے لا، تیرا سبق ہے نا، تیسویں پارے کی پہلی سورت سورہ نبا یاد کر کے لا. ایک دن گزرا سبق نہیں لایا، دو دن گزرا سبق نہیں لایا، تیسرے دن اثر کے بعد آیا اور سبق نہیں لایا. تو میں نے کہا بھائی تو کہہ رہا تھا مجھے قرآن یاد کرنا ہے، تو سبق نہیں لایا. اس نے کہا تین دن سے کوشش کر رہا ہوں، یاد ہی نہیں ہوتی. بڑا ذہین طالب علم، کہتے یاد ہی نہیں ہوتی. میں نے کہا اچھا بیٹھ جائیں.
मेरे सामने, मैंने उसे बिठाया और मैंने उसे तलकिन शुरू करने शुरू किया। अरबी, सूडान की जुबान अरबी है। मैंने कहा कुल अम्मा यतसाअलून, तो उसने आयत रिपीट की, फिर मैंने फिर रिपीट की तीन मरतबा, फिर अगली अगली तीन तीन मरतबा हर आयत रिपीट करता गया, कहलवाता गया। 15 मिनट में पूरी सुनत, बिल्कुल सूरत याद करके सुना दी। आज अरबों में हाफिज बहुत कम है। जितने अरब मुल्क हैं उन अरब मुल्कों में हाफिज बहुत कम है, और सऊदीया में भी जो हाफिज हिफ्ज क्लास में बच्चे मिलेंगे वो सब हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों के बच्चे होंगे जो हिफ्ज कर रहे होंगे, अरबों के बच्चे हिफ्ज नहीं करते। हत्ता के वो मुकाबला रखते हैं, एक सिर्फ अम्मा का पारा जिस बच्चे को याद हो उसे 50,000 रियाल इनाम देते हैं। हम अगर हमारे यहां देने लगे तो हर बच्चा लेकर यार। फिर भी उनके यहां बहुत कम हाफिज है। क्यों? वो नहीं जानते कि उनके यहां हिफ्ज का तरीका रटने से वो नहीं याद कर सकते। वो तो हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों के बच्चे हिल करके रट करके याद करते हैं, उनके बच्चों को तलकीन करनी पड़े तो इनसे जल्दी वो याद कर लें। दूसरा फर्क ये है कि अहले लिसान को फट से याद हो जाएगा। जैसे ये कहना है या अय्युहल मुद्दसिर, ओ कमली वाले, ओ कमली वाले हम उर्दू में कहें तो इसको कुछ रटना पड़ेगा याद करने के लिए। एक मरता कहो ओ कमली वाले, इसको क्या याद करना है? और हमारा बच्चा 5 मिनट या अय्युहल मुद्दसिर या अय्युहल मुद्दसिर या अय्युहल मुद्दसिर करेगा तब जाकर के उसके जुबान पर चढ़ेगा। तो कुरान करीम की बहुत सी आयतें तो ऐसी हैं जैसे गुफ्तगू का अंदाज है, जो जुमला है बोला और कट से याद हो गया अहले लिसान को, गैर अहले लिसान को इतना जल्दी याद नहीं होगा। फिर एक दूसरा फर्क यह है कि अजमी ने जब रट कर एक आयत याद कर ली तो अब उस आयत को इसी तरह पढ़ेगा, और अहले लिसान सुनकर उसको याद हो गई और कई आयतें मिलाकर पढ़ेगा तो अल्फाज बदल देगा, खुद ब खुद अल्फाज बदल जाएंगे। वो अहले लिसान है, उसने रटा नहीं है, बगैर रटे याद किया। तो जब शुरू में कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, यही कुरान जो आज हमारे पास है ये नाजिल हुआ, कुरैश की जुबान में नाजिल हुआ, यही लिखा गया। मगर जब उसको लोगों ने हिफ्ज करना शुरू किया तो दुश्वारी पेश आई, एक तरह से नहीं पढ़ सकते थे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से इसकी इजाजत चाही और वो अल्लाह के यहां से इजाजत लाए, और ये हदीस है उन्ज़िलल कुरान अला सबअति अहरुफिन, कुरान 7 हरफों पर उतारा गया। 7 के लिए फिगर नहीं, कई तरह से पढ़ सकते हैं। देखो मैं मिसाल दूं, उससे समझो। अभी सूरह फुरकान गई, उसकी पहली आयत है तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। हम अजमी हैं, हमने रट कर आयत याद की है, जब भी पढ़ेंगे इसी तरह पढ़ेंगे। और अहले लिसान जिसने एक दो मरतबा सुनी और याद हो गई, वो तबारकल्लज़ी भी पढ़ेगा, तआलल्लज़ी भी पढ़ेगा, क्योंकि तबारक और तआला के एक माने। तबारक अल्लज़ी नज़्ज़ला, नज़्ज़ला भी पढ़ेगा, अंज़ला भी पढ़ेगा, लेकिन नज़्ज़ला के भी वही माने, अंज़ला के भी वही माने। तबारक अल्लज़ी नज़्ज़ल फुरकाना भी पढ़ेगा, कुराना भी पढ़ेगा, फुरकान के भी वही माने, कुरान के भी यही माने। लियकून लिलआलमीन नज़ीरन, नज़ीरन भी पढ़ सकता, बशीरन भी पढ़ सकता। मजमून अहले लिसान जब कोई बात याद करेंगे तो मजमून महफूज रहेगा, अल्फाज वो बेलफ्ज ही अल्फाज महफूज नहीं रख सकते। और हम माना तो जानते ही नहीं, हम तो लफ्जों को पकड़ेंगे, और लफ्जों को पकड़ेंगे तो उसके तहत वही माना है।
तो शुरू में ये इजाजत दी गई थी कि मुख्तलिफ तरह से लोग कुरान पढ़ना चाहें पढ़ें, माना महफूज रहने चाहिए, लफ्ज बदल जाए कोई हर्ज नहीं। इसी सिलसिले में बुखारी शरीफ में एक किस्सा है, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरैशी है और हकीम इब्न हिजाम एक दूसरे साहबी वो भी कुरैशी है, वो सूरतुल फुरकान यही सूरतुल फुरकान पढ़ रहे, तो वो कई लफ्ज ऐसे पढ़ रहे कि हजरत उमर ने हुजूर से जो ये सूरत याद की तो वो लफ्ज नहीं थे, तो उन्होंने उनको पकड़ करके हुजूर के पास लाए और कहा या रसूलल्लाह ये कुरान बिगाड़ता है, सूरह फुरकान पढ़ रहा था और आपने जिस तरह मुझे पढ़ाई इस तरह नहीं पढ़ रहा। हुजूर ने फरमाया छोड़ दो इसे, छोड़ दिया। और हुजूर ने हजरत हकीम इब्ने हिजाम से कहा इकरा पढ़ो, तो वो जिस तरह से पढ़ते थे वो सुनाइए, तो हुजूर ने फरमाया हा कल्ला उनजिल, इसी तरह कुरान उतरा है। फिर हजरत उमर से कहा तुम पढ़ो, तो हजरत उमर ने जिस तरह से हुजूर से अख्ज़ की थी उस तरह पढ़ी, तो हुजूर ने फरमाया हा कजा उनजिल, कुरान इसी तरह उतरा है। और फरमाया उनजिल कुरान वाला सब्र सब आते आहरुफिन फकरू माते सरा मिनू, कुरान करीम मुख्तलिफ लफ्जों पर नाजिल हुआ है, बस जो जिसके लिए आसान हो उसी तरह पढ़े। बल्कि अरब के बाद कबीले तो बाद उन लफ्जों का तलफुज ही नहीं कर सकते थे, आज भी नहीं कर सकते। मिस्री, मिस्री जीम नहीं बोल सकते, जीम की जगह पर गाप बोलते हैं। मैंने एक को तवाफ में देखा दुआ कर अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल गन्ना, मैंने कहा हिंदुस्तान में चला गन्ना ही गन्ना, वो जन्ना कह रहा है, जन्ना बोल नहीं सब गन्ना कह रहा है। वो कुरान की आयत पढ़ेंगे लिकुल्लिम विघहतुन हुआ मुवल्लीह, विघहतुन नहीं पढ़ सकते हो। लिहाजा आज भी वो इसी तरह पढ़ते हैं, उनका कुरान पढ़ना सही है, नमाज में भी इसी तरह पढ़ते हैं, उनका पढ़ना सही है। तो जब इस तरह मुख्तलिफ तरफ पढ़ने की अल्लाह की तरफ से इजाजत दी गई थी तो लोगों ने इस तरह से लिख भी रखे थे, किसी ने लिख रखा है तबारक अल्लज़ी नज़्ज़ल फुरकाना, किसी ने लिखा है तआल अल्लज़ी नज़्ज़ल फुरकाना, किसी ने लिखा था तबारक अल्लज़ी नज़्ज़ल, किसी ने लिखा तबारक अल्लज़ी अंज़ल फुरकाना, किसी ने लिखा है तबारक अल्लज़ी अंज़ल फुरकाना, दूसरे ने लिखा अंज़ल कुरआना, जो जिस तरह पढ़ता था उसी तरह से उन्होंने लिख भी रखे, क्योंकि वो ओरिजिनल तहरीरों में से जो नकलें हुई थी वो सबके पास नहीं थी, लोग जैसा असातिज़ा से याद करके पढ़ते थे ऐसा उन्होंने लिख भी रखा था। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब दौर आया तो किरमान, अफगानिस्तान में है किरमान, वहां जंग हो रही और वहां मुसलमानों में कुरान पढ़ने में इख्तिलाफ शुरू हुआ। कोई कहता कि कुरान असल यूं है नज़्ज़ल अल फुरकान, दूसरा कहता नहीं है नज़्ज़ल अंज़ल अल फुरकान है, मेरे कुरान में अंज़ला लिखा है, ये कहता था फुरकान है, दूसरा कहता कुरान है, मेरे कुरान में यूं लिखा है। तो हजरत हुज़ैफ़ा ने देखा कि लश्कर के अंदर कुरान पढ़ने में इख्तिलाफात हो रहे हैं, तो उन्होंने मदीना जाकर हजरत उस्मान से जिक्र किया कि आप उम्मत की खबर लीजिए इससे पहले कि उम्मत कुरान में झगड़ने लगे। चुनांचे हजरत उस्मान ने फिर हजरत ज़ैद इब्न साबित को बुलाया, अब वो बूढ़े हो गए, उनके साथ तीन नौजवान कुरैशी मिलाए, हजरत ज़ैद इब्न साबित अंसारी हैं और तीन नौजवान उनके साथ कुरैशी मिलाए और चार आदमियों की कमेटी बनाई। उन्होंने फिर सहाबा में ऐलान किया कि ओरिजिनल तहरीरें लाओ जो हुजूर के सामने लिखी गई हैं, हुजूर के मुलाहिजे से गुजरी हैं, वो तहरीरें लाओ और उसके ओरिजिनल होने पर दो गवाह भी लाओ।
چنانچہ لوگوں نے بڑے اہتمام سے محفوظ کر رکھی ہیں. پہلی مرتبہ ضرورت پیش آئی تھی اور پھر واپس کر دی گئی تھی تو لوگوں نے اور اہتمام سے, چنانچہ فٹافٹ تحریریں آئی, گواہوں کے ساتھ آئی کہ یہ اوریجنل تحریریں. پھر وہ تھیلا جو سرکاری ریکارڈ میں تھا حضرت حفصہ کے پاس, وہ بھی لایا گیا, کمیٹی کو سونپا گیا. پھر حافظوں کو بٹھایا گیا, اصل مدار حافظوں پر ہے, حافظوں کو بٹھایا گیا اور یہ تحریریں وہ تھیلے میں نقلیں ان سب کا ملان کیا گیا بالکل ایک. مگر اب کے سورہ احزاب کی دو آیتیں نہیں آئی, اس کی اوریجنل تحریریں نہیں آئی. حافظ تو پڑھ رہے ہیں, ان کو تو یاد ہے, مگر اس کی اصل اوریجنل تحریر نہیں آئی. تو اعلان کیا گیا. تو ایک صحابی حضرت خزیمہ, ایسے اعلانات ہوتے تھے مسجد نبوی میں نماز کے بعد. تو حضرت خزیمہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا وہ تحریر میرے پاس ہے, مگر اس کا جو دوسرا گواہ تھا پہلی مرتبہ جو میں نے پیش کیا تھا اس کا انتقال ہو گیا, اب میں دوسرا گواہ ڈھونڈ رہا ہوں, اب تک ملا نہیں, اس لیے میں نہیں لایا. تو سارے مجمع نے کہا خزیمہ کو دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک معاملے میں ان کی اکیلوں کی گواہی دو کے برابر قرار دی. وہ ایک واقعہ پیش آیا تھا, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اونٹ کسی دیہاتی کا ہاتھ بیچا تھا یا خریدا تھا, اس میں جھگڑا ہوا تھا, پیسوں میں جھگڑا ہوا تھا یا کس معاملے میں, تو دیہاتی نے حضور سے کہا آپ گواہ لائیے. اب جب سودا ہوا تھا تو وہاں حضور اور وہ اعرابی دو ہی تھے, تیسرا کوئی تھا ہی نہیں, تو کہاں سے حضور گواہ لاتے. اور قاعدے سے مدعی کو گواہ لانے ہیں جو حضور نے دعویٰ کیا, مثلا یہ کہ میں نے $300 میں یہ خریدا ہے, وہ کہتا نہیں میں نے 350 میں بیچا ہے, تو جو دعویٰ کرے گا اس کو گواہ لانے ہیں. اور گواہ کوئی ہے نہیں, جب سودا ہوا تھا تو دو ہی تھے. تو حضور نے کہا کہ بھئی جب ہم دو ہی معاملہ کرتے وقت تھے, کوئی اور تھا نہیں, میں گواہ کہاں سے لاؤں. تو مجمع میں جو لوگ تھے ان میں سے حضرت حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اتنے میں بیچا ہے یا خریدا ہے. تو حضور نے فرمایا تم کیسے گواہی دے رہے ہو, ہمارا جب سودا ہوا تم تو تھے نہیں. تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آسمان ساتویں آسمان کے اوپر عرش کے اوپر سے جو قرآن نازل ہوتا ہے وہی آتی ہے, اس کی تو ہم گواہی دیتے ہیں, مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے, اور ایک اونٹ کے $50 کے بارے میں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. تو اس دن حضور نے خوش ہو کر یہ فرمایا تھا کہ حذیفہ جس کے لیے گواہی دیں گے ان کی اکیلوں کی گواہی دو کی گواہی کے قائم مقام. اس کا ظہور یہاں ہوا, انہوں نے کہا وہ آیت میرے پاس ہے, دوسرا گواہ انتقال کر چکا ہے. تو ساری مسجد نے کہا خزیمہ کو دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں, ان کی عقلوں کی گواہی دو کے قائم مقام. چنانچہ وہ آیت لے لی گئی, سب ملان ہوا, ایک نے کئی کئی حافظ شروع سے آخر تک بیٹھ کر پڑھتے رہے. اور حافظ وہی ہے, اور حافظ وہی ہے کہ جب کہو الحمد سے وہ ناس تو قرآن سنا دے, حافظ وہی ہے. اور یہ جو روزانہ ایک پارا یاد کرتے ہیں وہ تو رمضانی حافظ ہے, وہ حافظ نہیں, وہ رمضانی حافظ ہے. اور آج بھی امت میں بے شمار لوگ ہیں, پورا قرآن نو کے زبان ہے, ہفتے میں قرآن پورا پڑھتے ہیں, جہاں سے جب چاہو پڑھوا لو. تو حافظ بیٹھتے تھے اس میں ریکارڈ والا قرآن, یہ اوریجنل تحریریں, ان کا جب ملان کرتے تھے اور ملان کرنے کے بعد اطمینان ہو گیا. تو حضرت اس کمیٹی نے چار قرآن تیار کیے اور اب یہ مصحف کی شکل دی گئی کہ پہلے فاتحہ لکھی, پھر بسم اللہ لکھ کر کے سورہ بقرہ لکھی, پھر بسم اللہ لکھ کر سورہ آل عمران, اور دو گتوں کے بیچ میں وہ سارے کاغذ جس میں قرآن لکھے گئے تھے وہ سارے رکھ کر کتابی شکل دی. اور حضرت عثمان نے ایک مصحف تو مدینہ میں اپنے پاس رکھا,
और एक फुला शहर में, एक फुला शहर में, बड़े बड़े शहरों में वो कुरान मुसहब जो तैयार किए थे वो भेज दिए और पूरे मुल्क में ये ऑर्डर भेज दिया कि इसके अलावा जिसने जो कुरान लिखा है सब भेजो यहां मेरे पास, और हुक्म दिया कि अब जिसको कुरान की नकल लेनी है वो इस मुसहब में से ले। लिहाजा वो सात हर्फों पर कुरान करीम पढ़ने की जो शुरू में फैसिलिटी दी थी अल्लाह ने, वो फैसिलिटी अब खत्म। अब सारी दुनिया के मुसलमानों को यही कुरान पढ़ना है जो कुरैश की लुगत में है और जो असल नाजिल हुआ है और इसी को हुजूर ने लिखवाया है और कातिबिन से लिखवा कर महफूज करवाया है। शुरू शुरू में वो सहूलत थी मगर वो सहूलत बाद में खत्म कर दी। तो हजरत उस्मान ने सारी उम्मत को इस कुरान पर जमा कर दिया। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ तरह से किसी ने लिखा है तबारक अल्लज़ी, किसी ने लिख रखा ताल अल्लज़ी, किसी ने लिखा नज़ला, किसी ने लिखा अनज़ला, किसी ने लिखा फुरकान, किसी ने लिखा कुरान, ये सब कुरान हजरत उस्मान के पास आ गए। फिर बाज ने और तरह से लिखे कुरान जिस तरतीब से नाजिल हुआ था इस तरतीब से भी लिख रखा था। खुद हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला उन्होंने नुजुल की तरतीब से कुरान करीम लिख रखा था। बाज लोगों ने कुरान करीम में तफसीर भी लिख रखी थी। हदीस में है हजरत आयशा ने एक अपने आजाद करदा गुलाम से कहा मेरे लिए कुरान का एक नुस्खा तैयार कर। उस जमाने में कुरान छपते तो नहीं थे, हाथ से लिखे जाते थे, और उससे कहा कि देख जब तू लिखता लिखता हाफिज़ु अलसलावात व सलातिल वुस्ता पर पहुंचे तो मुझे इत्तला करना। चुनांचे वो लिखता लिखता सूरह बकरा में आए थे, वहां पहुंचा तो हजरत आयशा ने लिखवाया हाफिज़ु अलसलावात व सलातिल वुस्ता व सलातिल असर। हालांकि कुरान में नहीं है, सलात उस्ताद ये तफसीर है, मगर हजरत आयशा ने उसे अंदर लिखवाई सलात असर। ये जो मुख्तलिफ कुरान लिखे थे सब मंगवाए। और उस वक्त अमीरुल मोमिनीन का हुक्म था और अमीरुल मोमिनीन के हुक्म को शरई हुक्म समझा जाता था, चुनाचे किसी ने इनकार नहीं किया, सब ने भेज दिए। हजरत हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद पर बड़ा बोझ पड़ा, उन्होंने जो नुजुल की तरतीब से कुरान लिख रखा था इसे भेजते हुए बड़ा बोझ पड़ा, मगर उन्होंने भेज दिए। अमीर की इताअत, अल्लाह रसूल की इताअत, जैसे अल्लाह रसूल की इताअत जरूरी है, अमीर की इताअत भी जरूरी है। और इसी इताअत में कमी आती है तो फिर हुकूमत का ढांचा ढचर मचर हो जाता है। जब इसी इताअत में कमी आएगी तो हुकूमत का ढांचा फिर ढचर मचर हो जाएगा। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुहु से किसी ने सवाल किया कि हजरत उमर की हुकूमत और आपकी हुकूमत में फर्क क्यों है। हजरत उमर की हुकूमत की शान को अजीब थी और हजरत अली के जमाने में झगड़े 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 झगड़े। तो उसने पूछा कि हजरत उमर की हुकूमत में और आपकी हुकूमत में फर्क क्यों है। तो हजरत ने फरमाया उमर की हुकूमत के जमाने में पब्लिक मैं था और मेरी हुकूमत में पब्लिक तू है। कितना शानदार जवाब दिया। उमर की हुकूमत शानदार इसलिए था कि पब्लिक मैं था, जो हुक्म देते थे मानते, और मेरी पब्लिक तू है, कोई हुक्म तो मेरा मानता ही नहीं, अब मैं कैसे हुकूमत शानदार चला लूं। तो किसी शख्स ने नहीं, सब जो कुरान थे सब भेज दिए गए और हजरत उस्मान ने वो सब जलवा दिए और सारी उम्मत को इस कुरान पर मुत्तफिक कर दिया। अब दुनिया में इसके अलावा कोई कुरान नहीं। ये है जमे कुरान की तारीख और पूरी तफसील कि कुरान लिखा गया हुजूर ने सरकारी रिकॉर्ड में नहीं रखा,
सिद्दीक अकबर ने सरकारी रिकॉर्ड में उसे लिया हजरत उमर के मशवरे से, मगर फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ी। फिर हजरत उस्मान के जमाने में जो लोग जिस जिस तरह से पढ़ते थे उस तरह से कुरान लिख रखे थे, क्योंकि शुरू में 7 तरह से कुरान पढ़ने की इजाजत दी गई थी। हजरत उस्मान ने वो जो हुजूर ने लिखवा कर महफूज करवाया था उसी को मंगवा कर, रिकॉर्ड मंगवा कर मुसहफ तैयार किए और सारी उम्मत को इस कुरान करीम पर जमा किया। तो हजरत उस्मान जामिउन नास अला हाजल कुरान है और हजरत सिद्दीक अकबर कुरान जमा करने वाले हैं, सरकारी रिकॉर्ड में लेने वाले हैं। फिर वो जो ओरिजिनल तहरीरें थी वो क्या थी, वो सब जिसके पास ली थी उसे वापस कर दी, और वो थैला क्या किया, वो थैला हजरत हफ्सा को वापस कर दी, और जो 4 मुसहफ तैयार हुए थे वो एक हजरत उस्मान ने अपने पास रखा, 3 दूसरे बड़े बड़े शहरों में जामे मस्जिद में रखवा दिए। फिर वो क्या हुआ मालूम नहीं क्या हुआ, लोगों के पास ओरिजिनल तहरीरें थी, जमाना गुजरने के साथ खत्म हुई, हजरत हफ्सा के पास थी, उसका क्या हुआ अल्लाह जाने क्या हुआ। बहरहाल हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर ने जो कुरान को सरकारी रिकॉर्ड में लिया था, तो हजरत उस्मान ने फिर सरकारी रिकॉर्ड में से निकालकर मुसलमानों को सौंप दिया और जामे मस्जिदों में रखवा दिया कि ये है कुरान, लो इसी में से नकले लो और हिफाजत करो। चुनांचे उस वक्त से लेकर आज तक कुरान मिल्लत को सौंपा गया है, कोई हुकूमत इसकी जिम्मेदार नहीं है, किसी हुकूमत के रिकॉर्ड में कुरान नहीं। तो ये मसला तो मैंने कहा था कि इसमें जाऊंगे तो मैंने तफसील नहीं की, बगैर तफसील के सारा वक्त इसने ले लिया। असल मजमून तो मैं ये समझा रहा था, असल मजमून में ये समझा रहा था कि आग तो हर चीज को जला दी, कभी अगर कुरान करीम नहीं जला है तो करिश्मा है, करामत है। बाकी कुरान आग तो हर एक को जला देगी, नबी को भी जला देगी, साथ नेक बंदे को भी जला देगी। फिर हजरत इब्राहिम को क्यों नहीं जलाया, हजरत इब्राहिम को इसलिए नहीं जलाया कि वो टक्कर थी अल्लाह के दाई की और अल्लाह के दुश्मन की, टक्कर थी, हक और बातिल का फैसला पूरे मुल्क के सामने आना था। अगर वो आग हजरत इब्राहिम को जला देती तो पूरा मुल्क धोखे में पड़ता। अब जिन्होंने अल्लाह को, अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, वो हर धर्मी से नहीं लाए, उसके जिम्मेदार वो है, लेकिन बात सबने समझ ली कि हक पर इब्राहिम है। देखो इतनी बड़ी आग थी, इनका बाल भी का नहीं हो। और जन्नत उसने इसलिए बनाई थी कि उसे, उसने कहा था इब्राहिम से, तुझे तो दोजख में डालूंगा, जन्नत में मैं जाऊंगा। तो वो सवाल का जवाब मैंने दिया था। यहां भी 2 सवाल है। एक सवाल तो ये है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबा की रानी का तख्त क्यों मंगवाया था। पूरे वाकये में जब वो सबा की रानी आएगी यहां तो पहले से हजरत सुलेमान ने उसका पूरा तख्त मंगवा रखा है, और वो बहुत बड़ा उसका तख्त है, वो मंगवा रखा है, और उस तख्त में हेर फेर कर दिया, इधर का हीरा यहां लगा दिया, वहां का हीरा यहां लगाया, थोड़ा बहुत हेर फेर कर दिया है। तो ये तख्त मंगवाया क्यों है और ये हेर फेर क्यों किया है, इसकी कोई हिकमत और मसलियत होनी चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि हजरत ने शीश महल बनवाया था, एक ऐसा महल बनवाया था जिसमें हर जगह कांच ही कांच इस्तेमाल था, कांच के अलावा कोई चीज इस्तेमाल की नहीं थी, शीश महल कहते हैं उसे, शीशे का महल बनवाया था, चारों तरफ शीशा ही शीशा। ये महल क्यों बनवाया था, इसकी क्या हिकमत थी। आज जो आयतें पढ़ी गई हैं उसमें यह मजमून आया है, इसे अगर हम छोड़ेंगे तो फिर जाएगा, इसलिए मुख्तसर तरीके पर इसका जवाब समझा दूं। सबा ये एक कौम है, और ये कौम जहां बसती है वो इलाका भी सबा कहलाता है, और ये यमन में है। अब भी जहां यमन है, यमन में ये मकाम है सबा।
और हजरत सुलेमान की हुकूमत फिलिस्तीन में से थी, जजीरतुल अरब के बिल्कुल साउथ में यमन है और बिल्कुल नॉर्थ में जहां जजीरतुल अरब खत्म हो करके ये फिलिस्तीन फिलिस्तीन का मौका तो आप लोग जानते हैं, यहां सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी, वहां सभा में वो एक औरत की हुकूमत थी। औरत को हाकिम बनाना जायज है या नहीं? जवाब ये कि बनाना तो नहीं चाहिए, लेकिन बन जाए तो उसकी हुकूमत सही है। औरत को हाकिम बनाना नहीं चाहिए, लेकिन बन जाए डंडे के जोर से, वोट के जोर से, तो फिर उसकी हुकूमत सही है और वो जो अहकाम नाफिज करेगी वो अहकाम सही होंगे। इस्लामी तारीख में ये किस्सा है, हज्जाज इब्न यूसुफ के साथ एक औरत जंग लड़ी है, गज़ाला उसका नाम था, और 2 साल तक हज्जाज के साथ जंग लड़ती रही और आखिर हज्जाज को कूफे से मार भगाया और खुद कूफे पर कब्जा किया और जामे मस्जिद में उसने फजर की नमाज पढ़ाई और उसके पीछे सहाबा ने नमाज पढ़ी। उस वक्त बाद सहाबा जिंदा थे, उन्होंने उसके पीछे फजर की नमाज पढ़ी। तो औरत को हाकिम बनाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो तगल्लु डंडे के जोर से या आज के जमाने में पार्टी और वोट के जोर से अगर वो हाकिम बन जाए तो उसकी हुकूमत सही है, उसके अहकाम नापी है। पिछले दिनों में हिंदुस्तान में क्या भोपाल में औरत ही हाकिम थी और बड़े बड़े ओलमा उसके यहां मुलाजिम थे और एक औरत नहीं, जैसे अलिजाबेथ कई औरतें आई, ऐसे वहां भी कई औरतें एक के बाद दिगरे बादशाह बनी है और बड़े बड़े उलमा उसके यहां मुलाजिम रहे हैं और उसके काम सब चलते थे। ये उस जमाने का किस्सा है जब हिंदुस्तान पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का होल्ड था और उस वक्त मकामी हुकूमतें थी, तो वहां भोपाल में औरत की हुकूमत थी। तो सभा में औरत की हुकूमत थी। यहां हजरत सुलेमान अलैहि सलातो वसलाम बादशाह हैं, एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने अपना सारा लश्कर इकट्ठा किया, वह हुशीर अले सुलेमान जुनूदू, हजरत सुलेमान के लश्कर में 3 थे, इंसान थे, जिन्नात थे और परिंदे थे। परिंदे भी हजरत की हुकूमत में थे और हजरत जानवरों की बोली भी जानते थे, कुरान करीम में उसकी सराहत है, उल्लिमना मंतिकत तैर। जब तमाम लश्कर इकट्ठा हुआ, बाकायदा तरतीब से हुआ, तो हजरत ने उस लश्कर का मुआयना किया। उस मुआयने में एक खास परिंदा हुदहुद नामी नहीं मौजूद नहीं था, गैर हाजिर था। तो हजरत ने पूछा कि हुदहुद कहां है, किसी को नहीं मालूम कहां है। फौजी अगर बगैर इत्तला और इजाजत के गायब हो जाए तो बहुत बड़ा जुर्म है, वो फौज का एक फर्ज है हुदहुद। और जब हजरत का फौज चलती थी तो हुदहुद साथ में होता था, उसके जिम्मे काम थे कि कहां पानी हो निशान लगा था, वहां कुआं खोद कर पानी निकाला जाता था। तो फौजी का बगैर इजाजत के गैर हाजिर हो जाना यह बहुत बड़ा जुर्म था। तो हजरत ने फरमाया, आएगा तो मैं उसे जबा कर डालूंगा, या जबा नहीं करूंगा तो कोई सख्त सजा दूंगा। हां अगर कोई ऐसी खबर लाए जो मेरे लिए नई हो तो ठीक है। कुछ वक्त गुजरने के बाद हुदहुद आ गया। हजरत ने कहा, कहां था नालायक? उसने कहा, मैं यूं जा रहा था और दूर निकल गया। देखो ये परिंदे हैं, ये इतनी लंबी उड़ान उड़ते हैं कि एक बर्रे आजम से दूसरे बर्रे आजम चले जाते हैं। दरमियान में अटलांटिक सी हो उसे पार करेंगे, पैसिफिक सी हो उसे पार करेंगे, एक बर्रे आजम से दूसरे बर्रे आजम तक चले जाते हैं। और थक जाएंगे तो पानी पर ही उतर जाएंगे, वो तैरना जानते हैं,
फिर मछली ने लुकमा बना लिया तो गए, और अगर बच गए रात भर, रात भर सस्ता कर, सुबह फिर उड़कर आगे चलेंगे, कनाडा जा रहे हैं। उसने कहा कि मैं उड़ता हुआ जाता है, बहुत आगे निकल गया, और मैं सभा का के अहवाल देखकर आया हूं, वहां एक औरत बादशाह है, और वहां वो औरत भी और उस मुल्क के सब लोग सूरज को पूजते हैं। आपको याद है हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो वस्सलाम के जमाने से पहले से लोग सितारों को पूजते आए थे, ये सितारों को पूजते हैं। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने एक लेटर लिख करके हुदहुद को दिया, वो चोंच में लेगा या गले में लटका देंगे, उसे कहा ये मेरा लेटर लेकर जा वहां, और उस रानी को पहुंचा। वो रानी का क्या नाम है अल्लाह जाने क्या नाम है, चार नाम कोई नहीं जानता, लोगों ने वैसे ही घर लिए। इस रानी का तो नाम बिल्किस लोगों ने गढ़ लिया है, कुरान और हदीस में बिल्किस नाम कहीं नहीं आया है। तारीखी बातें ये यहूदियों की या इसराइलियत में होगा। इसी तरह से यूसुफ अलैहि सलातो वस्सलाम जिस मिस्र के वजीर के घर में पले बढ़े हैं और उसकी बीवी ने हजरत यूसुफ पर डोरे डाले हैं, उसका क्या नाम था मालूम नहीं क्या नाम। ये जो जुलेखा और जलीखा मशहूर है, ये भी कुरान और हदीस में कहीं नहीं आए। ये तारीखी बातें हैं, सही भी हो सकता है, अल्लाह जाने। और हजरत मूसा अलैहि सलाम की वालदा का क्या नाम था, आज ही आया वह वही नाइला उम्मे मूसा, उनकी वालदा का क्या नाम था मालूम नहीं क्या नाम था। लिखा है तारीखों में कुछ नाम लिखा है, हमें नहीं मालूम, कुरान और हदीस में कहीं नाम नहीं आया। और हजरत मरियम की वालदा का क्या नाम था, इल्कालत इमरात इमरान रब इन्नी नजरत लका माफी बतनी, इमरान की बीवी हजरत मरियम की वालदा, उनका क्या नाम था अल्लाह जाने क्या नाम था। ये चार नाम जो लोगों में मशहूर हैं, एक का नाम हजरत मरियम की वालदा का नाम हन्ना कहते हैं, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम भी कुछ लिखा है, ये सब ऐसे ही बेसफे की बातें हैं। कुरान और हदीस में इन चार औरतों का कोई नाम सराहतन नहीं आया है। उसने जाकर खत पहुंचा है, उसे दरबार बुलाया है, और दरबार से कहा मेरे पास लेटर आया है, उसका ये मजमून है, लिखने वाले सुलेमान है। वो नहीं जानती सुलेमान कौन है, सुलेमान है किस दर्जे के, कितने बड़े बादशाह हैं नहीं जानती। और वो खत लिखा है, उसका हेडिंग है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिस्मिल्ला कुरान की अलग आयत है, और इसके अलावा एक बिस्मिल्ला कुरान की अलग आयत है जो सूरतों के बीच में लिखी गई। उस खत का मजमून ये था, मेरे पास सरेंडर होकर आ जाओ, उसने अपने दरबार से कहा क्या जवाब दूं इसका, वो कहते हैं सरेंडर होकर आओ मेरे पास। तो दरबार ने कहा आप लड़ने का हुक्म देंगे हम टक्कर लेंगे, लेकिन फैसला आपको करना है, जिम्मेदार आप हैं, आपको फैसला करना है कि इस बादशाह के सामने सरेंडर होना है या उसके साथ टक्कर लेनी है, लोहा लेना है। वो औरत बड़ी समझदार थी, उसने ये सब रिपोर्ट हुदहुद कहीं बैठा है, खत डालकर कहीं बैठा है, और हजरत सुलेमान ने उससे कहा था कि खत डालकर वापस न हो जाइए, कहीं बैठ जाइए और क्या गुफ्तगुएं होती हैं पूरी रिपोर्ट लाइए, ये सब रिपोर्ट हुदहुद लाएगा। उसने ये कहा कि देखो जंग जब होती है तो माल और नतीजा बहुत बुरा होता है, फातेह जब किसी मुल्क को फतह करता है तो जितने मुअज्जज होते हैं उन सबको जलील करता है, तो अगर हमने इनके साथ टक्कर ली तो 50-50 का चांस है हम जीत गए,
तो ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो जीत जाएं और जब वो यहां दाखिल होंगे तो हम सबको जलील करके रख देंगे। लिहाजा हमें सरेंडर होना है या जंग लड़नी है, ये फैसला करने से पहले उस बादशाह के हालात का अंदाजा करना चाहिए कि किस दर्जा पावरफुल बादशाह है। उसने कहा कि मैं एक वफ़द रवाना कर रही हूं और उसके साथ बड़े हदाया भेज रही हूं, और मकसद ये कि ये वफ़द वहां से सब पूरे बादशाह के अहवाल जानकर रिपोर्ट लाएगा कि वो किस दर्जे का बादशाह है और कितना पावरफुल है, उसकी रोशनी में हम फैसला करेंगे कि हमें लड़ना है या सरेंडर होना है। खैर वफ़द रवाना, ये सब रिपोर्ट हुदहुद ने हजरत को पहुंचा दी कि वहां से वफ़द आ रहा है हदीये लेकर। वफ़द आया, हजरत ने वफ़द से कहा हमें तेरे तुम्हारे हदियों की क्या जरूरत है, जाओ अपने हदिये लेकर वापस, हमें हदिये नहीं चाहिए, तुम ही उछलो कूदो अपने हदियों पर, खुशियां मनाओ, हम तो ऐसा लश्कर लेकर तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं हमला करने के लिए कि तुम मुकाबला नहीं कर सको। दुखती रग पर हजरत ने हाथ रखा, वो औरत इसी से डर रही थी कि अगर वो जीत गए तो हमें सबको जलील कर देंगे, तो हजरत ने वही पॉइंट सामने रखा कि हम ऐसा लश्कर लेकर आ रहे हैं कि तुम ला केवल अलहुम्बिया, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हो, और तुम्हें हम सबको हम तुम सबको रुसवा करके शहर से बाहर निकाले। वही दुखती रग पर हाथ रखा। खैर वो वफ़द वापस हुआ, हदिया कबूल नहीं किए, और वो वफ़द रहा तो पूरे हजरत का करोफर, हजरत का करोफर क्या है कि इंसानों पर भी हुकूमत है, जिन्नात पर भी हुकूमत है, इन परिंदों चरिंदों पर भी हुकूमत है, ये सब मंजर देख कर गए। चुनांचे उस रानी ने ये फैसला किया कि हमें इस बादशाह से नहीं लड़ना, सरेंडर होना है, और वो अपना एक बहुत बड़ा वफ़द लेकर के अपने यहां से चली हजरत के बैतुल मकदीस के हजरत के दरबार में हाजिर होकर के उनकी मातहती कबूल करे। अब हजरत ने, हजरत को पहले से मालूम है कि वो सितारों को पूजती है, सूरज को पूजती है, वो भी उसकी पूरी कौम उसको पूजती है, उसके सामने दीन की दावत पेश करनी है, उसके सामने दीन की दावत पेश करनी है, और आदमी जैसा हो उसके कल्लमुन्नास बिकद्रे उकूलहिम, आदमी से गुफ्तगू करो उसके अकल के अंदाजे से, बेवकूफ से जिस अंदाज से गुफ्तगू होती है, निहायत जहीन से उस तरह से गुफ्तगू नहीं होती, निहायत जहीन से तो इशारों में गुफ्तगू करनी पड़ती। तो हजरत जब वो आएगी, हजरत को मालूम वो आएगी, तो अब हजरत उसके लिए इंतजाम कर रहे हैं कि उससे गुफ्तगू किस तरह से की जाएगी, दीन की दावत उसे पेश करनी है, वो मातहत तो होगी, हुकूमत के एतबार से सरेंडर तो होगी, लेकिन उसको दीन की दावत भी पेश करनी, उसका तख्त मंगवाया और उसमें हेर फेर कर दी। आई वो तो हजरत ने नहीं पूछा, किसी ने पूछा आपका तख्त ऐसा है, अगर वो ये जवाब दे कि नहीं मेरा तख्त ऐसा नहीं है क्योंकि हेर फेर कर दिया है, असली शक्ल में नहीं, उसने तब्दीली कर दी इधर का इधर, इधर का उधर, अगर वो कह दे कि नहीं मेरा तख्त ऐसा नहीं, मेरा तख्त उससे अलग है, तो धोखा खा गई वो, हालांकि ये उसी का तख्त है, और वो एक नहीं ये मेरा तख्त तो नहीं, मेरा तख्त तो इससे मुख्तलिफ है, तो धोखा खा गई, वहीं हजरत पकड़ेंगे। लेकिन जब वो आई और उससे पूछा गया हाकजा अर्शुक, तो उसने कहा हाकजा ये तो मेरा ही है, गोया मेरा है, तो धोखा नहीं खाया उसने, हालांकि तब्दीली की थी लेकिन फिर भी वो पहचान गई, और उसने इतना तो रखना ही पड़ेगा, गोया तो रखना ही पड़ेगा बीच में, तो गोया की उसने लाग रखी। लाग रखना जानते हो उर्दू का मुहावरा, एक दरवाजे का किवाड़ है उसमें कील ठोकनी है तो हिलेगा, तो पीछे बिसोला रखेंगे और पीछे बिसोला रखकर फिर कूटेगा, ये पीछे बिसोला रखा ये लाग रखी, तो कन्ना की लाग रखी उसने कि ये तो गोया मेरा ही तख्त,
तो जो मकसद था वो तख्त लाने का और उसमें हेर फेर करने का कि ये धोखा खाए, उसने नहीं खाया धोखा। तो दूसरा इंतजाम पहले से कर रखा है, उसके कयाम के लिए, उसके ठहरने के लिए जो मेहमान खाना बनाया है वो शीश महल बनाया है, और उसके सहन में पानी है इतना टखना तक, और उसके ऊपर ऐसा महीन कांच बिछाया है कि पता नहीं चलता। और उस जमाने में महलों में ऐसे तालाब बनाने का, महलों में से नहर बहाने का ऐसे सब रिवाज था। आज भी दिल्ली में लाल किले में दरबार खास में नहर घरों के बीच में से बह रही है। तो उसको मेहमान खाने में ले गए ठहराने के लिए, तो दरवाजे में से जब अंदर गई तो उसे पूरा सहन में पानी नजर आया, और कहीं दूसरा रास्ता है नहीं, मालूम इसी पानी में से जाना है। तो पानी में जाने के लिए उसने अपने पाइचे चढ़ाए। अब हजरत सुलेमान साथ में है। हजरत सुलेमान ने कहा, जनाब, जनाब के माने जानते हो, एब्रीवेशन जो तुम्हारे यहां होते हैं, यूनो, यूएनओ, ये मुखफफात तुम्हारे यहां होते कि नहीं होते? अंग्रेजी में तो सब मुखफफात ही होते हैं। तो ये जनाब भी अगर मौके पर है तो ठीक है, और बे मौके पर है तो जीम से मुराद जाहिल, और नून से मुराद नालायक, और अलीफ से मुराद उल्लू, और बा से मुराद बावला, और जनाब आली के माने महा। तो हजरत ने उससे कहा, इन्नहु सरहुम मुमर्रदुम मिन कवारीर। हजरत ने फरमाया, ये पूरा महल शीश महल है, और इस सहन पर भी जो पानी है सहन में, इस पर भी कांच बिछा हुआ है, धोखा खा गई। और जहीन इतनी थी कि वहीं ठिठक कर खड़ी हो गई, और उसने कहा, रब्बे इन्नी जलम तो नफसी। उसने कहा, मेरे परवरदिगार, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, आज तक मैं सूरज को पूजती रही है, समझती रही कि खुदा है, मेरी पैरों के सामने जो हकीकत है वो मैं नहीं समझ पा रही। इंसान धोखा खाता है इस जगह पर, अपने उसके कदमों पर उसने धोखा खाया। उसने कहा, रब्बे इन्नी जलम तो नफसी व असलम तो मा सुलेमान लिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसने कहा, मैं सुलेमान के हाथ पर ईमान लाती हूं उस अल्लाह के लिए जो सारे जहानों के पालन आ रहे हैं। यही दावत का पहलू इशारे में समझाना कि इंसान इस कायनात को समझने में धोखा खाता है। आज जो लोग दरियाओं को पूछते हैं, जो लोग अल्लाह के बंदों को पूछते हैं, जो लोग नेक लोगों को पूछते हैं, जो लोग फरिश्तों को पूछते हैं, जो लोग सितारों को पूछते हैं, धोखा खुर्दा है। वो समझते हैं कि पूरी ताकत इनके पास है, उनके पास कोई ताकत नहीं है। कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहिए, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जिसको जो कमाल मिला है वो अल्लाह का दिया हुआ है। मगर लोग धोखा खाते हैं, और जिसको अल्लाह ने कमाल दिया उसे बाकमाल समझ लेते हैं। उस औरत को खुद एहसास हो गया कि मैं अपनी निगाहों के सामने एक हकीकत है उसको नहीं समझ रही, तो खुदा के मारे पर जो मैं सूरज को आज तक पूछती रही, उसने कहा, रब्बे इन्नी जलम तो नफसी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी कि आज तक मैं सूरज को पूछती रही, वह असलम तो मा सुलेमान अलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान लाती हूं उस रब के लिए, उस परवरदिगार के लिए जो सारे जहानों के पालनहार हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।